हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। सो आज मैं टैरो से देखूँगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उसके बाद हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं अभी इस वक्त, क्या सोच रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड है जर्नी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है वो ये है कि अगर आप किसी जर्नी में हैं, अगर आप डिवाइन जर्नी में, आपको ऐसा फील होता है कि आपका जो कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ वो डिवाइनली गाइडेड है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि उन्हें भी एहसास है, उन्हें भी ये लगता है कि आपके साथ उनका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, उन्हें भी ये चीज़ें फील हो रही हैं। आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ग्राउंडेड डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, थोड़े से बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जगलिंग से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। हीलिंग की एनर्जी है, आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हील हो रहा है। इन्होंने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर मोमेंट्स हो सकता है रिसेंटली इन्हें मिले हों, तो ये उन सिचुएशन से अब धीरे धीरे हील हो रहे हैं, अपने कर्मास को हील कर रहे हैं। इनके लाइफ में जो भी कार्मिक्स हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो पास्ट लाइफ से लेकर इस लाइफ में आए हैं और इनके लाइफ से उनका कुछ ना कुछ कर्म जुड़ा हुआ था, उनको हील कर रहे हैं, उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। गॉडेस ऑफ वाटर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। जैसे एक बेबी होता है वुम में मदर के और वो धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता है, वैसे ही आपके पर्सन भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। इस दौरान हो सकता है आप में से कई लोगों को वाटर से रिलेटेड, नदी, समुद्र, बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, ऐसे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आएँ, स्पेशली अगर आपके पर्सन की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है तो। व्हील ऑफ लाइफ, यहाँ कर्मा साइकिल है, बहुत सारे लोगों के पर्सन एक मेजर शिफ्ट, 360 डिग्री का शिफ्ट उनके लाइफ में चल रहा है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन बहुत जल्द एक विजडम, एक नॉलेज गेन करके आपकी तरफ बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर दे सकते हैं। बहुत ही बोल्ड स्टेप आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले समय में। अभी भी ये आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, रिलेशनशिप में वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सींचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो दूर हो सकें, ये रिश्ता भी हील हो सके। बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके पर्सन, स्पेशली अगर आपका नेचर इनके प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग है, नर्चरिंग है, तो ये आपकी केयर को मिस कर रहे हैं। आपके लाइफ में न रहने से या दूर रहने से इनको आपकी जो एनर्जी है वो अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। कुछ बड़े एक्शंस ये लेना चाहते हैं, बहुत जल्द हो सकता है आपकी तरफ कुछ पावरफुल एक्शंस आप इनसे एक्सपेक्ट करें। आपके पर्सन कुछ नेगेटिव लोगों को झेल रहे हैं इस वक्त, हो सकता है उनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बनते तो उनके अपने हैं, बहुत क्लोज वन बनते हैं, बट एक्चुअली में वो इनका अच्छा नहीं चाहते, वो इनको ही ठोर मारने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ही हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो अच्छे हैं इनके लिए तो भी, अगर वो बुरे हैं इनके लिए तो भी, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो दिखाने के लिए सिर्फ जानबूझ के हर्ट करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि मैं अपने ही लोगों को हर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या अगर मैं कोई आग लगाने वाला काम कर रही हूँ या मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ, इससे मेरे ही इंसान को तकलीफ़ होगी, चाहे वो कोई भी हो, उनके रिलेटिव हो, उनकी बहन हो, मदर हो, कोई भी हो, बट यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही, मतलब इनके अपने लोग ही इनको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में क्या कोई मेरा अपना है, और जो मेरा अपना था या थी उसे तो मैंने अपने से दूर कर दिया, तो ये चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ वाटर, आपको लेकर बहुत मिसिंग एनर्जी है आपके साथ, जो भी टाइम इन्होंने गुजारा है, जो भी अच्छे मेमोरीज़ हैं
उसको ये बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये इनकी करंट सिचुएशन है जो इस वक्त इनकी एनर्जी से निकल कर आई है। लेट्स चेक कि आपके पर्सन का अगला कदम क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन क्या लेंगे आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। फर्स्ट कार्ड है ड्रीम, जैसा कि अभी बॉटम ऑफ द डेक आया था कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अगेन वी हैव गॉट द सेम कार्ड। तो हो सकता है आने वाले 6 दिन या 6 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों को उनके पर्सन की तरफ से मैसेजेस रिसीव हों। करेजियस डिसीजंस आपके लिए लेंगे, कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जो कि बहुत समय से इन्होंने रोके हुए थे, हिम्मत नहीं हो रही थी आपके पर्सन की आपके लिए कोई स्टेप लेने की। सडनली हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पर्सन के अंदर इतने हिम्मत आए कि वो आपको क्लैरिटी दें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, अपनी इनर वॉइस को फॉलो करेंगे, अपने दिमाग की नहीं सुनेंगे, अपनी दिल की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, सोल की वॉइस को सुनेंगे और डिसीजंस लेंगे। टू मोर कार्ड्स, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, ये कोई ऐसा डिसीजन लेने वाली हैं या लेने वाले हैं जिससे कि आप दोनों की लाइफ में खुशियां आएंगी, बरकत होगी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस यहाँ पर नज़र आ रही है। और लास्ट कार्ड है हमारे पास ऑर्डिनरीनेस, एयर ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, पूरी प्लानिंग कर ली है, बस एक्शन में देर कर रहे हैं, बहुत जल्द ये एक्शन भी लेंगे बिकॉज वी हैव गॉट शेयरिंग। तो यहाँ पर आपसे कोई गुड न्यूज़ शेयर कर सकते हैं, आपके साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपने जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। तो गाइज़, आपके लिए 6 आवर्स या 6 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं आज की रीडिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पर साइंस अभी हैं तो ये मत बोलिएगा कि मैम साइन क्या है बता दीजिए, बिकॉज ऑल साइंस यहाँ पर निकल कर आए हैं। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आज के दिन में, एंजल गाइडेंस मैं 2 डेक से लूँगी, सो विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। पहला कार्ड है वॉच टावर ऑफ द ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, या तो मॉर्निंग में आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, कोई ऐसी बर्ड दिख सकती है, कोई ऐसा आपको मैसेज मिल सकता है स्काई से जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। रिस्पेक्ट की एनर्जी है, आपको जो चीज़ें मिली हैं लाइफ में, चाहे आपको अच्छे गुरु मिले हैं, अच्छे गाइड मिले हैं, अच्छे लाइफ में आपको लाइफ पार्टनर मिले हैं, या अपने अच्छे दोस्त मिले हैं, अच्छे रिलेटिव मिले हैं, आपके लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा हुआ है, सो शो ग्रैटिट्यूड डिवाइन को, उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करें, मैनिफेस्ट ज़रूर करें, एक इंटेंशन सेट करें ताकि आप अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकें। गाइज, इससे याद आया कि अभी इसके ठीक बाद मैं 369 एंजल नंबर की वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप ज़रूर से उसको देखिएगा। प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी का भी मैसेज है, अभी अबंडेंस का कार्ड आया था और यहाँ से प्रॉस्पेरिटी का मैसेज है विद द हीलर कार्ड। बहुत सारे लोग हील हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पर्सन हील हो रहे हैं और बहुत जल्द आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखेगा। और ये जो हीलिंग स्टार्ट है ये सोलर एक्लिप्स के टाइम से ही स्टार्ट है, काफ़ी लोगों को उसका फ़ायदा भी हुआ है, काफ़ी लोगों के पर्सन रिटर्न भी आए हैं। जिनके नहीं आए हैं उम्मीद मत हारें, पॉजिटिव रहें। विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप, आपके लाइफ में जिस चीज़ से रोशनी है, जिस ज्ञान से रोशनी है, जिस स्रोत से रोशनी है, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ते जाइए उस स्रोत को पकड़ के। हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो इतना ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा सीरियस मत रहिए, पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए। यस का कार्ड है, आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है आपके लाइफ में, जिन चीज़ों के लिए आप बहुत टाइम से स्टक थे, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में, सब कुछ स्टक है, सब कुछ वहीं का वहीं है और मैं भी अटकी पड़ी हूँ या अटका पड़ा हूँ, तो लाइफ में कुछ चीज़ें मिरेकुलसली चेंज होंगी, सडनली ग्रोथ, सडन चेंजेस, सडन आपको फाइनेंशियल ग्रोथ, सडन आपको
कोई गाइडेंस ऐसी मिल सकती है, सडनली आपको ऐसा लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो रही हैं, हील हो रही हैं चीज़ें, लव लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स थी तो वो भी हील हो रही हैं। तो हीलिंग की एनर्जी कलेक्टिव है, तो बहुत सारे लोगों को एंजल्स खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके जो भी डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, उनसे रिलेटेड आपके ड्रीम्स भी आपको दिख सकते हैं। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।